अगर आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो या दूसरे लोगों के साथ मिलकर कोई चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो उस टाइम पर आपको ज़रूरत होती है कि आप एक एनजीओ को रजिस्टर्ड कराएं। ऐसा नहीं है कि आप बिना एनजीओ को रजिस्टर्ड कराए चैरिटेबल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बट जब आपका प्लान होता है कि आपको चैरिटेबल एक्टिविटीज़ रेगुलर बेसिस पे करनी है एंड लॉन्ग टर्म में करनी है एंड जो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ का साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा रहेगा, इट मीन्स कि आप दूसरे लोगों के साथ भी मिलकर काम करना चाह रहे हैं, तो तब आपको एनजीओ रजिस्टर्ड कराना चाहिए। एनजीओ रजिस्टर्ड कराने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके एनजीओ की एक ब्रांड वैल्यू मार्केट में बनेगी जब आप चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करेंगे एंड उसके बेस पे आप पब्लिक से डोनेशन एंड गवर्नमेंट से आपको डोनेशन या सब्सिडी मिलने में हेल्प मिलेगी। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एनजीओ कितने टाइप से रजिस्टर्ड हो सकती है एंड किस रजिस्ट्रेशन के कौन से प्लस पॉइंट है एंड नेगेटिव पॉइंट है, उसके बेस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको किस टाइप का एनजीओ रजिस्टर्ड कराना है। हम लास्ट 6 ईयर से एनजीओ रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन के बाद के कंप्लाइंस पे एनजीओ की हेल्प कर रहे हैं। इन केस आपका कोई डाउट है एनजीओ के रिगार्डिंग तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम रेगुलरली एनजीओ से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं, सो एनजीओ से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करती हैं उनको एनजीओ या फिर एनपीओ बोलते हैं, ठीक है। तो एनजीओ का बेसिकली फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनपीओ का फुल फॉर्म है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका ये नाम इसलिए है क्योंकि एनजीओ जो बेसिकली काम करती हैं वो प्रॉफिट के लिए नहीं करती हैं, राइट। तो इसलिए इसका फुल फॉर्म है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ, एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का नहीं, पर्सनल आपका होता है फॉर पर्सनल चैरिटेबल पर्पस। देखिए एनजीओ जो बेसिकली रजिस्टर्ड की जाती है वो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के लिए की जाती है एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में बहुत सारे काम आते हैं जो मैं इस वीडियो में आगे बताऊँगा, ठीक है। तो और जब आप चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपको ज़रूरत होती है डोनेशन या गवर्नमेंट से सब्सिडी की, तो एनजीओ को बेसिकली डोनेशन एंड सब्सिडी में भी हेल्प मिलती है इन केस आपका एनजीओ रजिस्टर्ड है। देखिए अगर मैं बात करूँ कि एनजीओ रजिस्ट्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं तो बेसिकली एनजीओ रजिस्ट्रेशन के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है सोसाइटी, थर्ड होता है सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। तो ये 3 ही होते हैं, इसके अलावा कोई एनजीओ का रजिस्ट्रेशन का टाइप नहीं होता है। तो आपको बेसिकली सिलेक्ट करना होता है कि आपको ट्रस्ट में काम करना है, सोसाइटी में काम करना है या सेक्शन 8 कंपनी में काम करना है। एंड इन तीनों में से किसी एक को रजिस्टर्ड कराने का डिसीज़न लेने से पहले आपको जानना चाहिए कि तीनों के बारे में डिटेल में, इन तीनों रजिस्ट्रेशन में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या प्लस पॉइंट है, वो आगे मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। देखिए अगर मैं चैरिटेबल पर्पज़ की बात करूं तो चैरिटेबल पर्पज़ मतलब मे बी आप एजुकेशन में काम करने में इंटरेस्टेड हैं, लाइक आपको कोई स्कूल खोलना है, चैरिटेबल कोचिंग सेंटर खोलना है, कोई ट्रेनिंग सेंटर खोलना है, या हो सकता है आप बच्चों को होम ट्यूशन में इंटरेस्टेड हैं, बट फॉर चैरिटेबल एक्टिविटीज़ तो आप एनजीओ रजिस्टर्ड करा सकते हैं, ठीक है। सेम वे में कोई मेडिकल फील्ड में इंटरेस्टेड हो सकता है, उसको कोई चैरिटेबल क्लिनिक खोलना है, हॉस्पिटल खोलना है, मेडिकल कैंप लगाने हैं तो भी आप एनजीओ में कर सकते हैं। एंड थर्ड होता है रिलीफ ऑफ द पुअर, इसमें देखिए फूड क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन या कोई भी आप गरीब लोगों को हेल्प कर सकते हैं, वो भी एनजीओ के थ्रू पॉसिबल है। एंड फोर्थ हमारा पॉइंट है रिलीजियस, रिलीजियस देखिए कोई अगर आपको टेम्पल बनवाना है या मस्जिद बनवानी है, चर्च बनवाना है, गुरुद्वारा बनवाना है, तो वो सब भी आपका एनजीओ के थ्रू रन किया जा सकता है, राइट। एंड लास्ट अदर मतलब कोई भी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, लाइक बहुत से आपने देखे होंगे डॉग रिलेटेड एनजीओज होती हैं, ठीक है, एनिमल राइट्स एंड ऑल, तो मतलब कोई भी आपका चैरिटेबल एक्टिविटी आप एनजीओ के थ्रू कर सकते हैं, राइट। यहाँ मैं डिस्कस करूँगा कि ट्रस्ट, सोसाइटी एंड सेक्शन 8 कंपनी में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो बेसिकली ये 3 टाइप की एनजीओ रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो इनके डिफरेंसेस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है बेसिकली लॉ कौन सा एप्लीकेबल होता है। देखिए अगर आप ट्रस्ट बनाते हैं तो ट्रस्ट में इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के लॉ अप्लाई होते हैं, इसी के अंडर ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड होता है। और जब आप सोसाइटी रजिस्टर्ड कराने की बात करते हैं तो इसमें 2 ऑप्शन होते हैं कि आपको स्टेट लेवल पे काम करना है या फिर नेशनल। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपको जस्ट अपनी ही स्टेट, एक स्टेट में काम करना है, लाइक
आपने सोचा हुआ है कि हम मैं सिर्फ यूपी में चलाना है, ठीक है, यूपी में कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करनी है, यूपी से बाहर नहीं करनी, तो आप स्टेट लेवल पर अपना एक सोसाइटी बना सकते हो। बट जहाँ आपका प्लान है कि हमें ऑल ओवर इंडिया काम करना है, कोई स्पेसिफिक स्टेट में लिमिट नहीं रहना है, तो फिर आपको नेशनल लेवल पर सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराना होगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, स्टेट लेवल पर रजिस्टर्ड कराते हैं तो जो भी आपकी स्टेट होगी उस स्टेट के लॉ एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो दिल्ली में रजिस्टर्ड करा रहे हैं तो दिल्ली के लॉ एप्लीकेबल होंगे, अगर यूपी में रजिस्टर्ड कराएंगे तो यूपी के लॉ एप्लीकेबल होंगे। बट जब आप नेशनल लेवल की सोसाइटी रजिस्टर्ड कराते हैं तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 आप पर एप्लीकेबल होता है, उसी के अंडर आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं। अगर मैं बात करूँ सेक्शन 8 कंपनी की, तो बेसिकली सेक्शन 8 कंपनी गवर्न होती है कंपनीज एक्ट 2013 से। देखिए, अगर मैं अथॉरिटी की बात करूँ कि गवर्नमेंट का कौन सा ऑफिसर आपकी ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए या उससे रिलेटेड कंप्लायंस है उसके लिए मतलब टेक केयर करता है, तो देखिए ट्रस्ट के केस में डिप्टी रजिस्ट्रार जो भी आपके एरिया होगा उससे रिलेटेड एरिया के जो डिप्टी रजिस्ट्रार होंगे वहाँ आपका ट्रस्ट रजिस्टर्ड होता है, राइट। लेट सपोज कि दिल्ली में आपको ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराना है तो आपका ओखला जो एरिया होगा उसके अलग डिप्टी रजिस्ट्रार होंगे, आपका यमुना विहार होगा तो यमुना विहार के अलग डिप्टी रजिस्ट्रार होंगे। तो बेसिकली आपको कंफर्म करना है कि आपके एरिया के डिप्टी रजिस्ट्रार कहाँ बैठते हैं, वहाँ से आपका ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। एंड देखिए, सोसाइटी की बात करूँ तो स्टेट डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं जो कि सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो जो भी आपके एरिया से रिलेटेड स्टेट डिविजनल मजिस्ट्रेट होंगे वहाँ आपका सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होगा, वही इसको देखते हैं। अगर देखिए सेक्शन 8 कंपनी की बात करूँ तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़, हर स्टेट के बेसिकली अलग अलग रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ होते हैं जिसको शॉर्ट में ROC बोलते हैं, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़। ये बेसिकली सारा कुछ ऑनलाइन होता है तो इसमें आपको ऐसा ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते हैं कि कौन सा ROC अप्लीकेबल होगा कौन सा नहीं, ये आपके कंसल्टेंट के लेवल पर ही सारा कुछ होता है, ठीक है, चाहे वो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन हो, सोसाइटी या फिर सेक्शन 8 कंपनी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट की बात करूँ, कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट मतलब जो आपके NGO को राइट्स मिलेंगे, लाइक कि आपका NGO क्या क्या काम करेगा, आपके NGO में कौन मेंबर बनेगा, कैसे बनेगा, अगर किसी को हटना है तो कैसे हटेंगे, बैंक अकाउंट खुलेगा तो उसको कैसे मतलब ऑपरेट किया जाएगा, तो सारा कुछ मतलब इस टाइप का जो मैटर होता है NGO को चलाने से रिलेटेड वो सब बेसिकली एक डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट के केस में बेसिकली आपको ट्रस्ट डीड मिलती है जिसमें ये सब कुछ मेंशन होता है, एंड इन केस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मिलता है एंड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी उसके होते हैं, उसके हिसाब से सोसाइटी को आप गवर्न करते हैं। बट इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसको शॉर्ट में MOA बोलते हैं एंड AOA बोलते हैं, तो MOA AO में सारा जो भी सेक्शन 8 कंपनी से रिलेटेड मैटर होता है सब मेंशन होता है कि कंपनी को कैसे चलाना है एंड क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ होंगी। देखिए, फोर्थ हमारा पॉइंट है स्टैम्प ड्यूटी। जब हम ट्रस्ट को बेसिकली बनाते हैं तो ट्रस्ट में बेसिकली स्टैम्प ड्यूटी का मैटर ये रहता है कि जो भी आप ट्रस्ट में प्रॉपर्टी होगी आपके ट्रस्ट की, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू के बेसिस पे आपका एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डिसाइड होती है जो कि हर स्टेट की अलग होती है। तो इट मीन्स आपको प्रॉपर स्टैम्प पेपर खरीदने होते हैं ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन से पहले, जो कि डिपेंड करता है जो आप ट्रस्ट बना रहे हैं उसमें आप प्रॉपर्टी इन्वॉल्व कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगेगी, ये बेसिकली कंसल्टेंट आपको हेल्प कर देंगे। सोसाइटी में स्टैम्प ड्यूटी का कोई कंसर्न नहीं रहता है एंड सेक्शन 8 कंपनी में भी ऐसा स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड कोई मैटर नहीं रहता है, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूँ मेंबर कितने चाहिए होते हैं, ट्रस्ट में कम से कम 2 मेंबर चाहिए होते हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा भी आप हो सकते हैं बट मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए। बट इन केस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि इसमें 2 होता है, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। अगर आपको स्टेट लेवल की सोसाइटी बनानी है तो कम से कम आपको 7 मेंबर चाहिए होते हैं जो कि कहीं से भी बिलोंग कर सकते हैं, मींस सेम स्टेट से भी हो सकते हैं एंड डिफरेंट स्टेट से भी हो सकते हैं। बट जब आप नेशनल लेवल की सोसाइटी बनाते हैं तो आपको एटलीस्ट 8 मेंबर्स चाहिए होते हैं फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, मतलब हर मेंबर की स्टेट अलग होनी चाहिए, ठीक है। एंड सेक्शन 8 कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पे भी बेसिकली मिनिमम 2 मेंबर चाहिए होते हैं। 6 हमारा पॉइंट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब जो आपकी NGO होगी
उसके डिसीजन मेकिंग कौन करेगा। देखिए ट्रस्ट में क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होते हैं जो कि जब आप ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराते हैं उसमें आपको नाम देने होते हैं कि ये पर्सन है जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनेंगे, मतलब एनजीओ को चलाएंगे। लेकिन जब आप सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराते हैं तो उसमें आपको मैनेजमेंट कमेटी या फिर गवर्नेंस काउंसिल के मेंबर्स की लिस्ट देनी होती है। सो जो भी ये मैनेजमेंट कमेटी आपकी रहेगी या गवर्निंग काउंसिल, तो वही सोसाइटी को रन करेगी, डिसीजन लेगी सोसाइटी के बिहाफ पर। एंड इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, इसमें बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सीन रहता है, तो जो भी आपके डायरेक्टर्स रहेंगे इसमें वही इसमें डिसीजन लेंगे। मैनेजमेंट का बेसिकली काम ये होता है कि जो भी एनजीओ आपकी होगी उसमें जो डिसीजन लेंगे, राइट, एंड सिग्नेटरी पावर होगी वो बेसिकली मैनेजमेंट की ही होगी। सो जो पर्सन बेसिकली ट्रस्टफुल होता है उसी को मैनेजमेंट में ऐड करना चाहिए। देखिए 7th हमारा पॉइंट है ऑनरशिप। सो इट मीन्स जो भी आपकी एनजीओ में एसेट्स होगी उसका ऑनर कौन रहेगा। तो इन केस ऑफ ट्रस्ट बेसिकली बोर्ड ऑफ ट्रस्टी वो ऑनर कहलाते हैं। तो लेट सपोज आपने जब ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराया उस टाइम पे जो ऑनर थे वो रिज़ाइन करके दूसरे ट्रस्टी बन सकते हैं, तो इट मीन्स जो भी ट्रस्टी होगा वही ऑनर कहलाएगा। इन केस ऑफ सोसाइटी बेसिकली सोसाइटी ही ऑनर होती है, एंड जो आपके मैनेजमेंट कमेटी या गवर्निंग काउंसिल होती है वो चेंज हो सकती है, बट आपकी सोसाइटी ही ऑनर मानी जाती है। बट इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी बेसिकली यहाँ कंपनी ही ऑनर होती है, एंड कंपनी को जो बैक एंड से सपोर्ट करते हैं वो शेयर होल्डर करते हैं, तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर यहाँ ऑनर होते हैं। तो सेक्शन 8 कंपनी में बेसिकली क्या चलता है, 2% चाहिए होते हैं, एक को बोलते हैं डायरेक्टर एंड दूसरा होता है शेयर होल्डर। यहाँ पर मैंने बताया 2% मिनिमम चाहिए होते हैं, तो ये दोनों डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर भी बन सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दो शेयर होल्डर अलग हैं एंड वो लोग इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते एनजीओ में, उसके लिए उन्होंने अलग से दो डायरेक्टर ऐड किए हुए हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में एनजीओ की हेल्प करते हैं। सो यहाँ पर ये पॉसिबल है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर वो सेपरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। देखिए ट्रांसपेरेंसी मतलब ये होता है, लेट सपोज आप कोई भी एनजीओ को जानते हैं, ठीक है, उस एनजीओ का कितना इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है या गवर्नमेंट की साइट पे अवेलेबल है, ठीक है, राइट। जैसे मैं एग्जांपल लूँ सेक्शन 8 कंपनी का, तो सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, एमसीए से रजिस्टर्ड होती है, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो बेसिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है। लेट सपोज कोई भी एनजीओ है जो सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर्ड है, उसका अगर मुझे नाम पता है तो मैं उसके नाम से ऑनलाइन सभी कुछ लगभग सर्च करता हूँ, लाइक वो कब बनी, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, उसमें कौन कौन डायरेक्टर है, कौन कौन शेयर होल्डर है, उसने कितना काम किया, मतलब उसकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी होता है मैं सारा कुछ डाउनलोड ऑनलाइन कर सकता हूँ। तो इट मीन्स मेरा उस पर ट्रस्ट ज़्यादा होगा, बिकॉज क्योंकि उसकी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की साइट से मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, एंड उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मैं चेक कर सकता हूँ ऑनलाइन डाउनलोड करने के बाद। सो यहाँ पर मेरा ट्रस्ट लेवल बढ़ता है। एंड इन केस ऑफ ट्रस्ट के केस में क्या होता है, जब आपका ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो जाता है आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है जो ट्रस्ट डीड होती है। सो वो बेसिकली आपके रिकॉर्ड में होती है, ऑनलाइन उसको कोई क्रॉस चेक करना चाहे तो नहीं कर सकता है। तो इट मींस ट्रस्ट के केस में कोई भी रिकॉर्ड को ऑनलाइन क्रॉस चेक नहीं कर सकता है, तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर लो होती है। सेम होता है सोसाइटी का, यहाँ भी कोई ऑनलाइन सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन चेक नहीं कर सकता है। बट जैसा कि मैंने आपको सेक्शन 8 कंपनी के बारे में बताया, सेक्शन 8 कंपनी की सारी डिटेल गवर्नमेंट की साइट पर अवेलेबल रहती है। सो इसमें क्या होता है, सेक्शन 8 कंपनी की ट्रांसपेरेंसी हाई होती है, राइट, बट ट्रस्ट एंड सोसाइटी के केस में ये बहुत लो होती है। देखिए ट्रांसपेरेंसी मैटर्स क्यों करती है वो मैं आगे बताऊँगा। देखिए सब्सिडी बाई गवर्नमेंट की बात करूँ कि किनको गवर्नमेंट प्रीफर करती है सब्सिडी के केस में, ट्रस्ट को लेस प्रीफर्ड करेगी, सोसाइटी को गवर्नमेंट लेस प्रीफर्ड करती है, बट अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी है तो इसको मोस्ट प्रीफर्ड किया जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रस्ट होगा आपको सब्सिडी या डोनेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलेगी, मिलेगा, बट अगर हम कंपेयर करें, लाइक आपका एक ट्रस्ट है उसने लेट सपोज 100 एक्टिविटीज़ की हैं एंड दूसरा आपका सेक्शन 8 कंपनी है उसने भी 100 एक्टिविटीज़ की हैं सेम जो ट्रस्ट ने की है, तो यहाँ पर प्रीफर किया जाएगा सेक्शन 8 कंपनी को, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है। सेम वे में FCRA के रजिस्ट्रेशन की बात करूं जो कि फॉरेन डोनेशन के लिए लिया जाता है, तो जब वो हम रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं तो ये बेसिकली बहुत कॉम्प्लेक्स रजिस्ट्रेशन है, बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ इसमें करनी होती हैं
गवर्नमेंट ऑफिसर भी डॉक्यूमेंट को क्रॉस चेक करते हैं, राइट। तो उस केस में भी बेसिकली ट्रस्ट के केस को लेस प्रीफर्ड किया जाता है सोसाइटी को भी, एंड सेक्शन 8 कंपनी है तो इसमें FCRA रजिस्ट्रेशन में आपको थोड़ा इजी रहता है, रीजन भी ट्रांसपेरेंसी। 11th हमारा पॉइंट है चेंज इन ट्रस्ट मेंबर या फिर बोर्ड। देखिए क्या होता है जब हम ट्रस्ट बनाते हैं, जब लोगों की थॉट्स या हमारे रिलेशन अलग होते हैं, बट ओवर द पीरियड जब हम काम करने लगते हैं तो मे बी पॉसिबल कोई पर्सनल रीज़न से, कोई मतलब NGO में कुछ इश्यूज़ हो गया, उस रीज़न से NGO से अलग होना चाहे, या मे बी पॉसिबल कोई नया मेंबर आप ऐड करना चाहें एज ए ट्रस्टी मेंबर या फिर बोर्ड, ठीक है। तो उस केस में देखिए ट्रस्ट में क्या होता है, प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स इसलिए होती है क्योंकि ये प्रोसेस ऑफलाइन है एंड यहाँ पे हमें बेसिकली ऑफिसर के पास जाना होता है चेयरमैन को फिटनेस के साथ। सो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। देखिए सेम इशू सोसाइटी में होता है, बेसिकली सोसाइटी में भी ऑफलाइन प्रोसेस है मेंबर को ऐड या डिलीट करने की। तो ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है, रीज़न बीइंग कि ऑफिसर के पास जाना होता है, जो भी इसमें अपने प्रेसिडेंट या चेयरमैन होते हैं उनको विटनेस के साथ, तब जाके ये हो पाता है। बट इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी ये बहुत ही ईजी रहता है, रीज़न बीइंग ये कम्प्लीटली ऑनलाइन है। तो इट मीन्स आपको फिजिकल प्रेजेंस होने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट डॉक्यूमेंट जो भी आपके होंगे उसको ऑनलाइन अपलोड करके, जिसमें आपके कंसल्टेंट CA CS हेल्प कर सकते हैं, तो इस बेसिस पे ऑनलाइन इजीली हो जाता है। इसमें फिजिकल प्रेजेंस मैंडेटरी नहीं होती है, बट सोसाइटी एंड ट्रस्ट के केस में फिजिकली आप प्रेजेंट होंगे तभी आपका ऐड या डिलीट हो पाएगा, एंड स्टिल द प्रोसेस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है जो हमें रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कराने की ज़रूरत पड़ती है, वो कोई भी रीज़न हो सकता है पर्सनल या ऑफिशियल। तो बेसिकली इसमें प्रोसेस ऑफलाइन है तो कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे मैंने ऊपर बताया कि गवर्नमेंट ऑफिसर के आप पास जाएंगे, देन बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करेंगे। सेम वे में सोसाइटी का होता है, ऑफलाइन है एंड कॉम्प्लेक्स है। बट इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इट इज़ 100% ऑनलाइन एंड ये ईजिली हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट की मैं बात करूं, देखिए ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन में ये डिपेंड करता है किस स्टेट का आप कराने हैं, बट ऑन एन एवरेज मतलब UP एंड दिल्ली का बात करें तो एवरेज 15,000 में आपका ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो सकता है। एंड इन केस ऑफ सोसाइटी आप अप्रॉक्स 20,000 मान सकते हैं, एंड सेक्शन 8 कंपनी अप्रॉक्स 20,000 आप रजिस्ट्रेशन कॉस्ट मान सकते हैं। और देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की मैं बात करूं तो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली ऑफलाइन है। इट मीन्स इसमें प्रोसेस क्या होता है, आप जो भी NGO बनाएंगे NGO की डीड बना लेंगे, ठीक है। डेट बनाने के बाद फिर ऑफिसर से एक डेट फिक्स होती है कि इस डेट को आपको ऑफिसर के पास जाना होता है, वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि लाइक आप काम क्या करना चाह रहे हैं, क्यों रजिस्टर कराना चाह रहे हो, इस टाइप के कुछ कुछ वो क्वेश्चन करते हैं। वो एक बार सेटिस्फाई हो जाते हैं कि आप जेन्युइनली चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करेंगे तो वो आपके ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कर देते हैं। बट यहाँ पे इशूज़ ये आते हैं कि ऑफिसर बेसिकली डेट नहीं मिल पाती, ऑफिसर बहुत ज़्यादा बिजी हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है बीच में डिपार्टमेंटल एक्सपेंस को ज़्यादा ही आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस है। सेम वे में सोसाइटी का है, यहाँ ऑफलाइन है ये प्रोसेस भी, एंड यहाँ पे अगेन आपको ऑफिसर के पास जाना होता है, फॉर्मेलिटीज करनी होती है, एंड कुछ डिपार्टमेंटल यहाँ एक्सपेंसेस हो सकते हैं आपके। बट सेक्शन 8 कंपनी कम्प्लीटली ऑनलाइन रजिस्टर्ड होती है तो इसमें आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है, आपके CA या CS होंगे वो आपकी हेल्प कर देंगे इसको रजिस्टर्ड कराने में। एनुअल कंप्लाइंस की बात करूं, देखिए एनुअल कंप्लाइंस का मतलब ये हो गया आपने एक बार अपना NGO रजिस्टर्ड करा लिया तो उसके बाद क्या कंप्लाइंस करने हैं। तो देखिए ट्रस्ट में सिंपल आपको इनकम टैक्स के कंप्लाइंस करने होते हैं, जैसे आपको ITR फाइल करनी है या आपका इनकेस ऑडिट एप्लीकेबल है तो ऑडिट करना पड़ेगा। सेम वे में सोसाइटी में है इनकम टैक्स के कंप्लाइंस करने हैं, ITR या ऑडिट। देखिए सोसाइटी में एक एडिशनल कंप्लाइंस होता है एनुअल रिटर्न का, ये बेसिकली एनुअल रिटर्न आपको रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को हर साल फाइल करनी होती है, ये मैंडेटरी है, ठीक है। तो इट मींस ट्रस्ट से कंपेरिजन करूँ तो इसमें एक एनुअल रिटर्न का कंप्लाइंस एक्स्ट्रा है जो कि हर साल रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को फाइल करना मैंडेटरी होता है। एंड सेक्शन 8 कंपनी की बात करूँ तो इसमें एनुअल ROC कंप्लाइंस है एंड इनकम टैक्स रिटर्न। बेसिकली ROC कंप्लाइंस इसमें बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, लाइक AOC 4 हो गया, MGT 7 हो गया, इस टाइप से ADD 1 ऑडिटर अपॉइंटमेंट एंड ऑल। तो इसमें बेसिकली कंप्लायंस थोड़े ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सोसाइटी एंड ट्रस्ट। सबसे कंप्लायंस ट्रस्ट में होते हैं, उससे थोड़ी से ज़्यादा सोसाइटी में होते हैं, एंड सबसे ज़्यादा आपके सेक्शन 8 कंपनी में होते हैं, ठीक है। एंड ज़्यादा कंप्लायंस होते हैं तभी
ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आ पाती है, राइट? क्योंकि पब्लिक को आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता है, तभी लोगों का ट्रस्ट बनता है एंड वो आपको आगे डोनेशन देने में या सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा है पेनल्टी फॉर नॉन कम्प्लायंस। देखिए, बहुत से केसेस में ये भी देखा जाता है कि लोगों ने क्या किया, जैसे एक NGO रजिस्टर्ड करा लिया एंड उसमें मतलब मे बी आप चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करें या छोटी मोटी करें, बहुत ज़्यादा नहीं करें, एंड मतलब मेन रीज़न है कि आपने कंप्लायंस नहीं किया। जो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी थी, एनुअल रिटर्न फाइल करनी थी या ROC फाइल करना था, आपने नहीं किया तो क्या होगा? देखिए, ट्रस्ट के केस में जो पेनल्टी होती है लो होती है, बट इन केस ऑफ सोसाइटी पेनल्टी थोड़ा ज़्यादा होती है। रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पे कंप्लायंस थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है? एंड इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, यहाँ पेनल्टी बेसिकली बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। इन सेंस कि आप मान सकते हो 200 पर डे, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये भी एक पेनल्टी आपकी चल सकती है। इट डिपेंड्स कि कौन से फर्म का आपका नॉन कम्प्लायंस है। तो सेक्शन 8 कंपनी में बेसिकली आपकी पेनल्टी कॉस्ट ज़्यादा होती है, एंड पेनल्टी कॉस्ट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कंप्लायंस ज़्यादा होते हैं। NGO रजिस्टर्ड करने के बाद बेसिकली आपको पब्लिक से डोनेशन लेने के लिए या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं उनकी छूट लेने के लिए आपको 1280G का रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो आप मतलब अपना NGO कोई सा भी रजिस्टर्ड कराएं, ट्रस्ट, सोसाइटी या फिर अपना सेक्शन 8, आपको तीनों में ही ये 1280G का रजिस्ट्रेशन लेना होता है, राइट? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। टैक्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए टैक्स भी ट्रस्ट में भी सेम लगता है, आपका इधर भी सेम लगता है, एंड सेक्शन 8 कंपनी में भी सेम टैक्स रेट लगता है, ठीक है? एज सच इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। इन केस आप जेन्युइन चैरिटेबल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो आई थिंक टैक्स से आपको कोई कंसर्न नहीं आएगा क्योंकि आपका टैक्स लगता ही नहीं है। देखिए, अगर मैं कंक्लूड करूँ कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है NGO रजिस्ट्रेशन के लिए, लाइक आप ट्रस्ट बनवाना चाहिए, सोसाइटी बनवाना चाहिए या फिर सेक्शन 8, तो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपकी रिक्वायरमेंट इन द सेंस, लेट सपोज मैं ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ, देखिए ट्रस्ट उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो पर्सनल NGO रन करना चाह रहे हैं। पर्सनल NGO इन द सेंस कि आप नहीं चाहते कि पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा रहे। जैसे कभी कभी ये होता है कि हाँ जी, मैं सेल्फ फंडिंग के थ्रू पब्लिक की चैरिटी करूँगा। लेट सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास फंड का कोई इशू नहीं है, तो मेरे पास जो पैसा है उसी को लगा के मैं चैरिटेबल एक्टिविटीज़ कर लूँगा, मतलब पब्लिक से मुझे बहुत कम सपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए। तो बेसिकली उस केस में आपका ट्रस्ट बेस्ट ऑप्शन होता है। एंड सेकंड, आपका लिमिटेड बजट है कि आप चाह रहे हैं कम से कम खर्चे लगें या कम से कम इन फ्यूचर कंप्लायंस की कॉस्ट आए, तो भी आपका ट्रस्ट बेस्ट ऑप्शन है। एंड आपका चैरिटेबल जो वर्क है वो भी लिमिटेड है, तो भी ट्रस्ट बेस्ट ऑप्शन होते हैं, ठीक है? तो इट मीन्स अगर आपको लिमिटेड काम करना है, पर्सनल फंडिंग से आगे बढ़ना है एंड लिमिटेड बजट है आपका, तो उस केस में ट्रस्ट बेस्ट ऑप्शन है। सोसाइटी देखिए तब बेस्ट ऑप्शन है आप जब पब्लिक NGO चाह रहे हैं। पब्लिक NGO इन द सेंस कि आप ये चाह रहे हैं कि जो भी बंदा बेस्ट काम करे वो सोसाइटी में गवर्निंग मेंबर बने, मतलब वो मैनेजमेंट का पार्ट हो। देखिए, सोसाइटी में क्या होता है, जो मैनेजमेंट कमेटी डिसाइड होती है वो मेंबर्स के वोटिंग के बेस पे डिसाइड होता है। लेट सपोज आपने कोई NGO स्टार्ट किया, ठीक है, अभी आप उसमें मैनेजमेंट कमेटी में थे, बट मे बी पॉसिबल कि सभी मेंबर्स मिलके किसी दूसरे पर्सन को प्रेसिडेंट बना दें, ठीक है? तो मे बी पॉसिबल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ये है कि मेंबर्स का जो भी कलेक्टिव डिसीजन होगा उसके बेस पे NGO चलनी चाहिए, तो सोसाइटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एंड इसमें आपका लिमिटेड बजट है एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज़ भी थोड़ा लिमिटेड है, मतलब ट्रस्ट से ज़्यादा बट लिमिटेड है स्टिल। तो पब्लिक NGO के केस में आप अपना सोसाइटी को रजिस्टर्ड करा सकते हो। देखिए, अगर मैं सेक्शन 8 कंपनी की बात करूँ तो बेसिकली सेक्शन 8 कंपनी इज़ द बेस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर NGO। तो ये क्यों होता है, देखिए CSR जो एक्टिविटीज़ होती है, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो बड़ी बड़ी कंपनी अपना चैरिटेबल एक्टिविटीज़ पे डायरेक्ट खर्च नहीं करती हैं, वो दूसरी छोटी NGO की हेल्प के थ्रू आगे चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करती हैं। तो बेसिकली वो बड़ी कंपनी प्रीफर करती हैं कि सेक्शन 8 कंपनी होगी तो ही हम उसको CSR देंगे, मतलब प्रीफर करेंगे बेसिकली। तो CSR एक्टिविटीज़ में जाना है तो सेक्शन 8 कंपनी में एडवाइस करूँगा। अगर आपको इंटरनेशनली काम करना है तो भी मैं आपको सेक्शन 8 कंपनी एडवाइस करूँगा। आपको अगर फॉरेन फंड की रिक्वायरमेंट है तो भी सेक्शन 8 कंपनी रिकमेंड करूँगा।
बेसिकली सेक्शन 8 कंपनी में ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है, तभी CSR इंटरनेशनल बॉडी या फॉरेन जो डोनर होंगे वो इंटरेस्टेड होते हैं डोनेशन देने में, राइट? सो अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड करूँ, अगर आपका मतलब बजट का इशू नहीं है तो मैं एडवाइस करूँगा सेक्शन 8 कंपनी ही रजिस्टर्ड करनी चाहिए NGO के लिए, राइट? इन केस आपका बजट लिमिटेड है तो आप फिर ट्रस्ट या सोसाइटी में जा सकते हो, बट यहाँ मेन इशू ये आता है कि रजिस्ट्रेशन को लेके बहुत हेडेक रहती है, मतलब कभी कभी तो महीना भी लग जाता है। एंड बहुत से केसेस तो मेरे साथ ऐसे हुए हैं कि डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस इतने मांगे गए हैं कि मतलब वो NGO फिर रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाया। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मतलब किसी पर्सन के पास रजिस्ट्री की कॉपी नहीं है बट इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल को वो ऑनरशिप प्रूफ नहीं मान रहे, उनको रजिस्ट्री की कॉपी ही चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, लेट सपोज आपने रेंट पे कोई ऑफिस लिया ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जो ऑफिसर होता है वो इंसिस्ट करता है जो इस ऑफिस का ऑनर है उसको भी आप साथ लेके आइए, तो ऐसे ऑनर तो साथ नहीं आ सकते ना ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इस वजह से भी ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं हो पाए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ ऑफिसर की मोनोपोली चलती है ट्रस्ट एंड सोसाइटी में, बट अपना सेक्शन 8 कंपनी के है प्रॉपरली मतलब गवर्नड है एंड प्रोसेस ऑनलाइन होता है, तो यहाँ पे बहुत तरीके से काम होता है एंड हम कॉन्फिडेंट होते हैं रजिस्ट्रेशन को लेके एंड रजिस्ट्रेशन के बाद के कंप्लायंस को लेके कि यहाँ इजीली हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन केस आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। इन केस आप हमसे मोबाइल के थ्रू कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है एंड ये ईमेल आईडी है, इसके थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।